हेलो मैं सलमान पठान, मैं एक बार फिर से तैयार हूँ आपके लिए। अभी मैं जब बाढ़ के टाइम पे यहाँ पर आया था, यहाँ के बाढ़ जब आई थी तो जहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। ये आप सामने देख रहे हो, जो मोहनी डैम है नरबर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये डैम बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो इसकी फिजा ये थी कि ये डैम के पूरे गेट खुले हुए थे और गेट खुलने के बावजूद गेटों के ऊपर से पानी फेंक रहा था, जिस कारण आगे पुल वगैरह सब डूब गए थे, पूरे गांव वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, सब बह गए थे। और अब देखिए पूरी तरीके से चारों तरफ पानी शांत है, अब पानी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है, अंदर भी है, अंदर भी डैम को पूरा खाली कर दिया गया है क्योंकि फिर से बरसात शुरू हो गई है। मैंने आपको दिखाया था बाढ़ के टाइम पर इसकी लोकेशन, जब मैंने उस सामने वहाँ से वो बाउंड्री दिखाई दे रही है ऊपर जो सायरन का माइक लगा हुआ है, वहाँ से मैंने वीडियो शूट की थी, तो जहाँ पूरे में पानी ही पानी था, ये सामने पूरे खेत वगैरह सब डूब चुके थे, चारों तरफ इसके पानी ही पानी था। जब मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, और आप देख सकते हो कि इस डैम में 25 गेट हैं, 25 के 25 गेट पूरे खुले हुए थे और पूरे खुलने के बावजूद ऊपर से पानी फेंक रहा था। काफ़ी ख़तरनाक सीन था, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने में लग रहा था। और आज हम फिर आए हैं जहाँ पर, लेकिन आए किस मतलब से हैं कि कुछ वीडियो वगैरह शूट करें, जो कि हमारे दोस्त यार सूरज भदौरिया हैं और उनके साथी हैं, सारे कैमरे पर स्टैंड वगैरह लगाकर तैयारी कर रहे हैं और हम भी अपनी वीडियो शूट करें और आपके लिए बताएंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे आपके पास। आप देखते रहें।